हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर आमिर बनवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे धातुएं और अधातुएं, उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में और ज़्यादा डिटेल से। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थियों की प्रॉब्लम रहती है कि हमको विज्ञान समझ नहीं आती, तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि साइंस को मैं आपको समझा कर ही रहूँगा, क्योंकि मैं हर एक बात को, हर एक टर्म को काफ़ी डिटेल में पढ़ाता हूँ, काफ़ी डिटेल से समझाता हूँ। ज़रूरी क्या है? आपकी उत्सुकता। ज़रूरत किस चीज़ की है? आपकी जिज्ञासा की। तो जिज्ञासा है, ज़रूरत है, यदि भूख है साइंस सीखने की, तो आइए मेरे साथ, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम देखेंगे धातु प्लस ऑक्सीजन, यानी धातुओं का जो पहला रासायनिक गुण था वो क्या था? धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु ऑक्साइड। कि धातु ऑक्सीजन से मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती हैं, तो इसको हम डिटेल से देखेंगे ये क्या है। अब देखिए, मैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ आपको। जैसे हम कॉपर धातु लेते हैं और उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, Cu कॉपर, तो क्या बन जाता है? Cu प्लस ऑक्सीजन, यानी कॉपर है ये, ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई करके इसको, समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। उसके बाद और देखिए, एल्यूमिनियम धातु है, यदि हम इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से चार से मल्टीप्लाई करके, यहाँ तीन से मल्टीप्लाई करके और यहाँ दो से मल्टीप्लाई करके समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। तो कहने का भाव हमारा क्या है, समीकरण को संतुलित करना हमने पहले वाली वीडियो में बताया था, वीडियो की प्लेलिस्ट निकालिए और वहाँ देखिए कैसे संतुलित किया जाता है समीकरण को। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें हमने क्या देखना है कि जो धातु ऑक्साइड है, ये धातु ऑक्साइड है, ये धातु ऑक्साइड है, इसका मतलब क्या है? धातु के साथ ऑक्सीजन मिली हुई है तो धातु ऑक्साइड, धातु के साथ ऑक्सीजन है तो धातु ऑक्साइड। तो इसकी अक्षारकीय प्रकृति होती है, अक्षारकीय प्रकृति। ये क्या करेंगे, लाल लिटमस को, लाल लिटमस को नीला कर देगा। यदि इसके अंदर हम लाल लिटमस डालेंगे, तो कैसा हो जाएगा? नीला। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है और वो क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभय का मतलब क्या होता है? दो। उभय का मतलब होता है दो और धर्म कहते हैं गुण। उभय का मतलब दो और धर्म का मतलब होता है गुण, यानी दो गुण। इसका मतलब क्या है? इसको हम कहेंगे दो गुणों वाले ऑक्साइड, यानी ऐसे ऑक्साइड जिनमें दो गुण होते हैं। और वो दो गुण कौन कौन से हैं? पहला अम्लीय गुण, और दूसरा क्या है? अक्षारकीय गुण। अम्लीय और अक्षारकीय गुण। तो ऐसे दो गुण कौन कौन से ऑक्साइड दिखाते हैं, उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो
तो इनमें से सबसे पहला है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो ये था एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और दूसरा है हमारा जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। यानी ये दो ऑक्साइड हैं जो अम्लीय भी हैं और अक्षारकीय भी हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या हैं, या दो प्रकार के गुण दिखाने वाले ऑक्साइड को क्या कहते हैं। मोस्टली तो अक्षारकीय हैं, लेकिन ये दो ऐसे हैं जो दो गुण दिखाते हैं, इसलिए इनको उभयधर्मी बोलते हैं। परिभाषा क्या है इस उभयधर्मी ऑक्साइड की, परिभाषा डेफिनेशन क्या होगी, यानी वे ऑक्साइड, अब यहां लिखेंगे क्योंकि ये ऑक्साइड हैं, वे ऑक्साइड जो अम्लों और अक्षारकों के साथ, अक्षारकों के साथ मिलकर लवण और पानी बना लेते हैं, लवण और पानी बना लेते हैं, तो उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो इस तरह वो एग्जाम्पल हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील हैं, अघुलनशील, या इसको ये कह ले नहीं घुलते हैं, यानी जल में नहीं घुलते हैं। जैसे कोई भी धातु ऑक्साइड है, कोई भी धातु ऑक्साइड है, यदि उसको जल में डालेंगे तो वो जल में नहीं घुलते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ धातु ऑक्साइड हैं, कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, घुल जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं उनके एग्जाम्पल देखिए, यानी मोस्टली तो घुलते ही नहीं, लेकिन कुछ हैं जो जल में घुल जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला नाम लिया जा सकता है सोडियम ऑक्साइड का, यानी Na2O, यानी ये है सोडियम ऑक्साइड। ये नाम याद आपने रखने ही रखने हैं, सोडियम ऑक्साइड, ये एग्जाम्पल देना है आपने सोडियम ऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल है पोटेशियम ऑक्साइड, यानी ये है पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। ये दो ऑक्साइड, धातु है सोडियम, पोटेशियम भी धातु है, ऑक्सीजन के साथ मिली हुई है, तो धातु ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड। तो ये धातु ऑक्साइड दो हैं, ये जल में घुल जाते हैं। यदि इनके अंदर पानी मिला दिया जाए, इनको पानी में मिला दिया जाए H2O पानी, तो ये क्या बना लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या बन जाता है, सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। यदि पोटेशियम ऑक्साइड को पानी में मिलाएं तो क्या बन जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको हम पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। तो इस तरह से दो ऑक्साइड ऐसे हैं जो जल में घुल जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, यही मेरा मोटिवेशन है, यही मेरी सपोर्ट है। यदि आपके पास वीडियो से संबंधित, मैटर से संबंधित कोई सुझाव है
शिकवा है, शिकायत है, तो लिख डालिए मैसेज सजेशन, तो मैं आपके मैसेज का, आपके सजेशन का, आपके कमेंट का स्वागत करूंगा और यही मेरा इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज धातु प्लस जल, यानी धातु के साथ है यदि हम जल मिलाते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ भी क्या था, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी धातु को जल में मिलाएंगे तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट, कुछ धातुएं जल से क्रिया नहीं करती, जल से अभिक्रिया नहीं करती, तो वो कौन कौन सी हैं, तो उनके नाम याद रखना है आपने, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, यानी ये धातुएं हैं। यानी सिल्वर को हम चांदी भी कहते हैं, कॉपर को हम तांबा कहते हैं, तांबा लेड सीसा होता है। तो जैसे तांबे के बर्तन में पानी डाल के हम पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिल्वर के बर्तन में भी पानी डाला जा सकता है, गोल्ड सोना हो तो उसमें भी डाला जा सकता है, नो प्रॉब्लम। लेड के बर्तन में भी हम शीशे के बर्तन में भी पानी डालते हैं। तो इस तरह ये ऐसी धातुएं हैं, ये पानी के साथ क्रिया नहीं करती हैं, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये आपने याद रखना है। मोस्टली तो करती हैं, उसके बाद सोडियम, सोडियम और पोटेशियम, ये दो याद रखने हैं, सोडियम पोटेशियम, इससे पहले भी जिक्र था पोटेशियम का। अति ठंडे जल से, अति ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेती हैं, अभिक्रिया कर लेती हैं, ये दो धातुएं सोडियम और पोटेशियम। जैसे सोडियम को पानी के अंदर डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है, काफ़ी काफ़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो अब क्या था, धातु सोडियम धातु है, जल मिला दिया, ये धातु है ये ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड बन जाता है, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, उसमें ऊर्जा भी निकलती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से पोटेशियम को यदि हम पानी के साथ मिलाएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O प्लस ऊष्मीय ऊर्जा, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये दो धातु ऐसी हैं जो ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं, इसलिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, यानी कैरोसिन, कैरोसिन में डुबो कर रखते हैं, नहीं तो क्या है, ये इतनी क्रियाशील है, वायु के अंदर जो जल है उसके साथ भी क्रिया कर लेगी, तो इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है ताकि ये सुरक्षित रहे। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों डुबो कर रखते हैं, क्योंकि क्रियाशील है, ये ऑक्सीजन या वायु में मिलने वाले पानी की मात्रा से भी क्रिया कर लेती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और ऊष्मा निकलती है, यानी आग लग जाती है, तो इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। यानी ये धातु ऐसी हैं जो पानी में आग लगा देती हैं, पानी में आग लगाने वाली हैं, याद रखिए इसको। उसके बाद कुछ धातुएं ऐसी हैं
जो जैसे हम यहाँ जिक्र करेंगे कैल्शियम का, कैल्शियम कैल्शियम ठंडे जल से तो नहीं करेगी, ये जल से धीमी गति से क्रिया करती है। कैल्शियम जल से धीमी गति से क्रिया करती है और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो पैदा होती है वो इसकी सतह से चिपक जाती है, इसकी सतह से चिपक जाती है, चिपक जाती है और कैल्शियम तैरना शुरू कर देती है, तैरना शुरू। तो ये चीज़ याद रखनी है, यानी एक ऐसी धातु जो पानी में डालने से तैरना शुरू कर देती है वो कौन सी है, वो कैल्शियम है। और वो क्यों तैरती है, क्योंकि जैसे ही कैल्शियम को जल में डालेंगे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस कैल्शियम की सतह से चिपक जाती है और ये तैरना शुरू कर देती है। उसके बाद अगली धातु है मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ये गर्म जल से क्रिया करती है, गर्म जल से अभी क्रिया करेगी, ठंडे जल से नहीं करेगी, गर्म जल से। और इसमें भी क्या होगा, H2 गैस है ना, जो हाइड्रोजन गैस, वो सतह से चिपक जाती है, वो स्थिति चिपकती है। और जो मैग्नीशियम है वो तैरना शुरू कर देती है। अब इसमें ये तो गर्म जल से क्रिया करती है, ये कैल्शियम है जो ये जल से क्रिया करती है, गर्म से नहीं, थोड़े से ठंडे जल से, यानी ये गर्म से करती है, ये नॉर्मल जल से करती है। प्रोसेस दोनों का सेम है, दोनों तैरना शुरू कर देती हैं, एक ठंडे जल में एक गर्म जल में। उसके बाद अगला जो पॉइंट है एल्यूमिनियम, ये देखना आपने, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम आयरन जिंक ये धातुएं ये भाप से क्रिया करती हैं, भाप से, भाप से क्रिया करती हैं और वही हाइड्रोजन गैस पैदा करती हैं। तो इसमें पांच प्रकार की चीज़ें आपने देख ली, कुछ धातुएं तो ऐसी हैं जो जल से क्रिया ही नहीं करती, चाहे उनको कितने ही दिन जल में गिराए रखो, जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कुछ धातुएं ठंडे जल से क्रिया करती हैं, कुछ एक धातु है जो नॉर्मल जल से क्रिया करती है वो तैरना शुरू कर देती है, एक धातु है जो गर्म जल से क्रिया करती है वो मैग्नीशियम है, तैरना शुरू कर देती है। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ये भाप से क्रिया करती हैं, न ही जल से करती, न ठंडे जल से करती, न गर्म जल से करती, बल्कि भाप से क्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस पैदा करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इट इज एनफ फॉर टुडे, आई होप यू विल हैव एंजॉयड दिस वीडियो, सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।